नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कल एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने उन्हीं के विभाग से एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पत्र जारी किया गया था उसे अवैध बताया, फर्जी बताया और इस मामले में जो है जांच बैठाने की बात जो है विभाग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्या कुछ मामला है इसके बारे में और कब तक GNM का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम है वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, कब तक जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और देखते हैं कि क्या मामला है। और यह मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है, यह मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ लिया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है हर एक तरह से फर्जीवाड़ा का काम होता है। वहाँ पर जो पैरवी होता है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वित्त विभाग के द्वारा जो नियमावली है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनमें भी लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से जो है किसी व्यक्ति के मदद से आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैरवी नहीं करना है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ विभाग के द्वारा नोटिस आया है और यह मामला जो है विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया गया है मामला। अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है, क्या संभावना है, हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में किसी भी प्रकार का जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड हर एक तरह की जानकारी जो है आपको पहुँचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए ये है आपका कल के पेपर में ये दिया है, देखिए क्या कहना पड़ जा रहा है कि उद्योग बना अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, समझ रहे हैं, अधिकारियों के लिए यह उद्योग है। जो ऑफिसर रैंक के जो पदाधिकारी हैं विभाग में बैठे हुए हैं, सचिवालय में बैठे हुए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में समझ लीजिए उनका बिजनेस है। इस तरह से आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा लगाया गया है, जो कि लखीसराय के विधायक हैं। ठीक है, क्या कुछ कहा है उन्होंने आप यहाँ पर देखिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अपोजिशन के लीडर हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन राज्य में उद्योग का रूप धारण कर चुका है, समझ रहे हैं। किसी भी कर्मी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है तो अधिकारियों के लिए वह जो है एक बिजनेस है, एक उद्योग है जिससे पैसा कमाया जाता है, यह आरोप लगाया गया है विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। श्री सिन्हा ने कहा कि नियमानुसार जून माह में विभागीय मंत्री के स्तर से वर्ग एक जो क्लास वन के कर्मी हैं उनका मंत्री के स्तर से, जबकि क्लास दो के जो अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। ठीक है, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी है, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता, समझ रहे। नियम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नियम बने हुए हैं, उस नियम के आधार पर ही जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता है, लेकिन उस नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारीगण पैसा के बल पर मलाईदार विभागों में कमाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर अपना पदस्थापन करा लेते हैं। ठीक है, जून आने से कुछ माह पूर्व अधिकारियों में मनचाहा पोस्टिंग के लिए होड़ लग जाती है, वे विभिन्न विभागों के मंत्री और प्रधान सचिव के नज़दीकी स्रोत से संपर्क साधकर अपना मिशन पूरा करते हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि मलाईदार विभागों के मंत्री जून माह में मालामाल हो जाते हैं, यह अधिकारी पैसा देकर अपनी पोस्टिंग कराते हैं और पदस्थापन के बाद वहाँ की जनता से कई गुना वसूली करते हैं। ठीक है, उनको पता है किस विभाग में ज़्यादा पैसा है, किस विभाग में ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं, किस में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक वक्तव्य जो है आप दैनिक जागरण में पढ़िए, एक छोटा सा कटिंग दिया हुआ है जिसमें वित्त विभाग के जो विभाग हैं उनके द्वारा भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस तरह का काम जो है हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये हालांकि ये दूसरा कटिंग है, वो कटिंग दैनिक जागरण का है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे मामला क्या है, आप हमको आप विस्तार से हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए निदेशालय स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, ये कल 28 तारीख का है। इसमें क्या लिखा है देखिए, स्वास्थ्य निदेशालय के आदेशों से निर्गत पत्रों एवं संचिका के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न सेवा संवर्ग के स्वास्थ्य कर्मियों का पदस्थापन, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति कई गंभीर त्रुटियों में पाई गई। गृह जिला में पदस्थापन, क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, जिला अंतर्गत पदस्थापन एवं बिना किसी युक्ति संगत कारण के 3 वर्ष के समयावधि के पूर्व ही स्थानांतरण किया गया। पहला क्या है कि गृह जिला में पदस्थापन, जबकि ये नियम नहीं है,
सिर्फ विकलांग जो DQ कोटा के अभ्यर्थी हैं उन्हें ही गृह जिला में दिया जा सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं। क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया गया, जिला अंतर्गत पदस्थापन हुआ, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष नहीं हुआ इसके बाद भी जो है उनका ट्रांसफ़र किया गया। तो गंभीर त्रुटि को दृष्टिपथ पर रखते हुए निम्नलिखित आदेश को तत्कालीन प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये जितने आप पत्र देख रहे हैं, ये जो ज्ञापन संख्या पत्रांक संख्या, शायद आप लोगों के ग्रुप में आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जिसमें एक्सरे टेक्नीसियन आपका 4th ग्रेड, उसके बाद क्लर्क, OT टेक्नीसियन, लैब टेक्नीसियन, फार्मासिस्ट, क्लर्क जो कि मेडिकल कॉलेज के क्लर्क हैं, उसके बाद आपका ये आपका परिचारी का हो गया, उसके बाद विविध है, ठीक है। तो ये सारे जितने आप देख रहे हैं ये ट्रांसफ़र का पत्रांक था। तो जितने भी ट्रांसफ़र विभाग के द्वारा दिए गए थे उन सब को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सभी कर्मी अपने मूल पदस्थापन स्तर पर बने रहेंगे। यदि कोई कर्मी विरमित हो चुके हैं तो उस आदेश के आलोक में पुनः अपने पूर्व पदस्थापन स्थल पर योगदान करेंगे, ठीक है। इनमें से अगर जो किसी ने विरमित ले लिया होगा अपने ऑफिस से तो वो विरमित को फिर से योगदान वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। निदेशालय के पत्रांक 1938-28-24-23 को इस हद तक संशोधित समझा जाए, ठीक है। और ये जो आदमी आप देख रहे हैं डॉक्टर राकेश चंद्र सहाय जो कि निदेशक हैं आपका रोग नियंत्रण का और लोक स्वास्थ्य पैरामेडिकल्स का, ठीक है, इनके द्वारा यह दिया गया है। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के साथ में ही एक और पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये मिल करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम किया है। अब अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ये है वो लेटर, पदाधिकारी देखिए संजय कुमार सिंह स्वास्थ्य सचिव हैं अभी स्वास्थ्य समिति के, राजेश कुमार, रविंद्र कुमार, श्रीमती रेणु कुमारी, शिशिर कुमार मिश्रा और राकेश चंद्र सहाय, ठीक है। ये पीत पत्र है जिसमें विभाग अपने ही अंदर में जो है किसी प्रकार का जांच को शुरू किया जाता है पीत पत्र के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जून 2023 प्रशाखा 4 के सभी पदों पर स्थानांतरण पदस्थापना प्रतिनियुक्ति आदेश जो कि निदेशक प्रमुख श्री राकेश चंद्र सहाय के हस्ताक्षर द्वारा निर्गत किए गए हैं, उससे संबंधित प्राप्त शिकायतों के आलोक में प्रारंभिक जाँच में गंभीर त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही है। इनके द्वारा जो राकेश चंद्र सहाय हैं, ठीक है, इनके द्वारा हस्ताक्षर करके जो है पदस्थापन स्थानांतरण का काम किया गया। इसमें क्या क्या परिलक्षित हुआ त्रुटि, तो त्रुटि देखिए, ये सभी स्थानांतरण श्री शिशिर कुमार मिश्रा विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदित है जो इसके लिए कहीं से सक्षम पदाधिकार नहीं है। ये जो शिशिर कुमार मिश्रा हैं, ठीक है, ये विशेष कार्य पदाधिकारी हैं लेकिन इनके पास अधिकार नहीं है कि किसी भी कर्मी का ट्रांसफ़र कर सके। ये निश्चित रूप से जांच का विषय है क्यों इनके द्वारा इस प्रकार का पूर्णतः अनियमित कार्य किया गया। ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, लेकिन इनके द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया जो कि काफ़ी गंभीर विषय है। उसके बाद दूसरा देखिए, कई लोगों का गृह जिला में पदस्थापन किया गया, कई लोगों का, जबकि नियमतः क्या है कि गृह जिला में पदस्थापन नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने पैसा लेकर के या किसी भी तरह से गृह जिला में पदस्थापन किया है। हम आपको वो दिखाएंगे कि आप देखिएगा, उसमें मोस्टली जो है पटना डिस्ट्रिक्ट के लिए ही गृह जिला में पदस्थापन किया गया है। उसमें देखिए तीसरा पॉइंट में, कई लोगों को एक ही जिला में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण किया गया, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, मान लेते हैं CS ऑफिस में है तो CS ऑफिस में जो ब्लॉक होते हैं जो PSC CSC है, तो एक CSC से दूसरे CSC में गए हैं, दूसरे CSC से दूसरे CSC में गए हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे GNM पद का पदस्थापन स्थानांतरण किया गया है जो कि निदेशक प्रमुख श्री राकेश चंद्र सहाय वर्मा विशेष पदाधिकारी शिशिर कुमार मिश्रा का विषय नहीं है। यह बहुत गंभीर बात है, इसके बिना इसके विषय के स्थानांतरण किया गया है बिना विषय करके। आपको पता होगा, आपने पिछले जो ट्रांसफ़र का लिस्ट देखा होगा GNM के लिए, ठीक है, तो GNM का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है वह जो होता है वो स्वास्थ्य निदेशक के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो नर्सिंग के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाता है। आपको याद हो तो पिछले बार जो है कौशल किशोर के द्वारा किया गया था ट्रांसफ़र, जो कि स्वास्थ्य प्रमुख है नर्सिंग के, ठीक है, जबकि ये नर्सिंग के, ये आप जो नाम देख रहे हैं राकेश चंद्र शाह, ये नर्सिंग के नहीं है, नर्सिंग के अभी जो है वो आपका सुनील कुमार झा हैं शायद, जहाँ तक याद है हमें, ठीक है, हम आपको वो दिखा देंगे, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि कौन पदाधिकारी किस पोस्ट पर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निर्देशानुसार उपरोक्त गंभीर बिंदुओं की जांच के लिए श्री संजय कुमार सिंह जो कि स्वास्थ्य सचिव के सचिव हैं अध्यक्षा में 3 सदस्य
जांच दल का गठन किया जाता है। तो विभाग ने ही अपने ही विभाग के पदाधिकारी के ऊपर जांच दल का गठन किया है, जिसमें से सदस्य कौन है, देखिए श्री राजेश कुमार जो कि उप सचिव हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के, रविंद्र कुमार हैं जो कि महाप्रबंधक हैं बिहार चिकित्सा सेवाएँ आधारभूत संरचना का, उसके बाद तीसरा है श्रीमती रेणु कुमारी जो कि विशेष कार्य पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग पटना के, ठीक है। और जांच दल आज 28/6/23 को अपना जांच प्रतिवेदन कृपया समर्पित करेंगे। तो 28/27 को शायद ये लेटर जारी किया गया था और 28 को जांच जो है उनके द्वारा किया गया था, और जांच का जो भी रिजल्ट आता है वो पदाधिकारी को स्वास्थ्य सचिव को जो है दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही निर्देशानुसार इन सभी हस्तांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने हेतु संबंधित पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी ट्रांसफर के लिए लेटर निकल गए थे उन्हें जो है रद्द किया जाता है, उस पर कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए सतीश रंजन सिन्हा जो कि अपर मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, OSD हैं, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए त्रुटि कहाँ है, ये देखिए शोभा कुमारी त्रुटि देखिएगा, GNM शेखपुरा और इनको पदस्थापन दिया गया सिविल सर्जन पटना के निपटारे पे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं त्रुटि, देखिए यहाँ त्रुटि, प्रतिभा सिंह हैं जो कि पटना का होम डिस्ट्रिक्ट है इनका, और ये पहले कहाँ काम कर रहे थे, तो अनुमंडल अस्पताल सारण में काम कर रहे थे, और इन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र लिया है, तो अनुमंडल अस्पताल दानापुर पटना लिया है। मेडिकल कॉलेज अगर जो होता ट्रांसफ़र तो एक कहा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज लिया जा सकता है, हमने मेडिकल कॉलेज में भी देखे हैं कई, लेकिन हमने उन्हें नहीं नोट किया है। पटना होम डिस्ट्रिक्ट लेकर के मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए अनुमंडल अस्पताल में ट्रांसफ़र लिया है जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जूम करते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे भूषण कुमार होम डिस्ट्रिक्ट पटना कहाँ है, तो जहानाबाद में पोस्टिंग है, और ये ट्रांसफ़र कहाँ लिया, तो रेफरल अस्पताल नौबतपुर पटना, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है, ठीक है। तो इस प्रकार के गलती के कारण हो सकता है कोई अभ्यर्थी या कोई स्टाफ के द्वारा शिकायत किया गया हो विभाग में, जिसके कारण यह जो है कदम उठाया गया है, ठीक है, जो क्योंकि नियम के अनुसार ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जबकि नियम के अनुसार ही ट्रांसफ़र होना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको हम दिखाते हैं कौन क्या है, देखिए ये संजय कुमार सिंह है जो कि सेक्रेटरी हैं, ठीक है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिनका जिनका नाम आया है आपको, हम वो दिखा देते हैं आपको, देखिए ये सतीश रंजन सिन्हा है जिन्होंने ये लेटर जारी किया था इस प्रकार का, और ये वो व्यक्ति हैं श्री शिशिर कुमार मिश्रा जो कि अवैध रूप से ट्रांसफ़र किए हैं, किनके साथ मिलकर के, तो यहाँ पे देखिए इनके साथ मिलकर के, ये राकेश चंद्र सहाय वर्मा जो हैं डायरेक्टर इन चीफ डिजीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ पैरामेडिकल्स, ठीक है, जबकि जिनके द्वारा होना चाहिए था तो डायरेक्टर इन चीफ जो नर्सिंग के हैं उनके द्वारा होना चाहिए था, ठीक है। हमको लगता है यहाँ पे साइट में कुछ ये किया गया है, क्योंकि सुनील कुमार झा डायरेक्टर इन चीफ यहाँ पे नर्सिंग था पहले, ठीक है, अब हो सकता है इन्हें हटाया गया हो, हम कंफर्म नहीं हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे डायरेक्टर इन चीफ नर्सिंग करके सुनील कुमार झा के पास में लिखा हुआ था, ठीक है। तो यही सब बात है, और बाकी अब बात करते हैं कि GNM का ट्रांसफ़र जो है वो कब तक होगा, ठीक है। तो GNM के बारे में जो रिपोर्ट हमारे पास आया है, तो GNM का अभी स्क्रूटनी हो रहा है, आप लोगों ने जो भी फॉर्म भरा है उसका जो है रिव्यू किया जा रहा है, और संभवतः जो है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, लास्टली आपका जुलाई का 15 तारीख लास्ट है, 15 तारीख तक आ जाएगा, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है, ज़्यादा चांस है, लेकिन इस प्रकार का जो घटना हुआ है तो हो सकता है जो भी पदाधिकारी हैं अगर जो GNM में भी किसी प्रकार की धांधली हो रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में तो उसे सुधारा जाएगा, ठीक है। और GNM में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरवी के द्वारा जा रहे हैं, तो शायद जो नियम है नियम के अनुसार ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, अगर जो नियम के अनुसार नहीं होता है तो कई ऐसे लोग हैं जो कि इसके शिकायत को लेकर के विभाग जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जैसे जो पैरामेडिकल्स में हुए हैं उसी प्रकार से अगर जो GNM में भी किसी प्रकार का त्रुटि होता है DQ को छोड़ के, अगर होम डिस्ट्रिक्ट किसी को मिलता है, ठीक है, DQ और मेडिकल कॉलेज, तो कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर है जो कि विभाग को इसके बारे में शिकायत करेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी वेट कीजिए कम से कम जुलाई 15 तक, ठीक है, उसके अंदर अंदर जो है आप लोगों का लिस्ट आ जाएगा ट्रांसफ़र का। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ट्रांसफ़र का जो
संख्या है वो काफ़ी अधिक है, ठीक है। मोस्टली जो है हमें लगता है कि लगभग का हो ही जाएगा, ठीक है। जो उसके रिक्ति पे है, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसा रिक्ति होगा उसके अनुसार जो है आप लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी जानकारी आती है विभाग के तरफ से तो हम आपके साथ बिल्कुल साझा करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर कुछ बातें रह गया होगा तो हम अगली वीडियो में ज़रूर आपको बता देंगे, ताकि आपको जो है अप टू डेट बिल्कुल आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से का जो न्यूज़ है वो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अगर जो आपको चैनल पे आए हैं अगर जो आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपको चैनल पे डालें तो आप तक जो है पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।